ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है और स्क्रैचलेस गाड़ी है बिल्कुल। आप देख सकते हो 80 मिनट में आप फुल चार्ज कर सकते हो। डिलीवरी अगर बात करूं तो मैं पैन इंडिया डिलीवरी दे रहा हूं। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन चैनल देसी व्लॉग्स। तो गाइस आज फर्स्ट टाइम, वैसे हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई इलेक्ट्रिक कार्स की, लेकिन सेकंड टाइम है। लेकिन एक साथ यहाँ पे तीन कार्स हमारे सामने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार आज हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ में मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं होंडा सिविक, जो कि बहुत स्पेशल कार है, हाइब्रिड में है, 2009 मॉडल, जो कि यहाँ पे इंपोर्टेड है जापान से, तो यहाँ इजिली मिलती नहीं है यहाँ पे, तो आज उसी को कवर करेंगे। हम यहाँ पे आए हुए हैं रोनी सेक्टर 11 में, दिया मोटर्स के पास। ये गाड़ियों का स्टॉक है, यहाँ के जो ऑनर्स हैं उनसे बात करेंगे, क्या डिटेल्स होने वाली है, क्या बैटरी, क्या फीचर्स, क्या प्राइस रेंज। अभी ऑनर जी से बात हुई थी मेरी, वो कहते हैं कि चैलेंजिंग प्राइस में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स आज दिखाने वाले हैं, तो चलिए उनसे बात करेंगे क्या डिटेल्स हैं। सो गाइस, हमारे साथ यहाँ पे दिया मोटर्स, जो कि पड़ता है सेक्टर 11 रोनी में, यहाँ के ऑनर है हमारे साथ नवीन जी, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया सर। सर फर्स्ट टाइम दिया मोटर्स के पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स आज हम कवर करने वाले हैं जी, तो सबसे पहले तो एक बार यहाँ का जो आप अपना नाम बताइए और एड्रेस बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार है और ये दिया मोटर आपका सेक्टर 11 में पड़ता है, नियर बालाजी मंदिर। प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी यहाँ के जो भी डिटेल कॉन्टैक्ट एड्रेस जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं जी। तो नवीन जी ये बताइए कि आज हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए आज फ्यूचर को देखते हुए क्या स्पेशल लेके आए हैं? सर अभी काफ़ी डिमांडिंग है इलेक्ट्रिक कारों का, काफ़ी इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो उसको देखते हुए हमने अभी इलेक्ट्रिक कारें शुरू करी हैं। अच्छा, और आपको बहुत अच्छी रेंज में आपको इलेक्ट्रिक कारें मिलेंगी। मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया कि नवीन जी कह रहे थे कि चैलेंजिंग प्राइस। नहीं नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग प्राइसिंग है और आपको ये समझो 5 से 5.5 लाख के अंदर आपको इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, जो कि इंडिया में कहते थे इलेक्ट्रिक कार का सबको रहता है, बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। वो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक कारें उतनी भी महंगी नहीं है, वो हम एक अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए हैं। अच्छा, ये हमारे सामने तीन कार इलेक्ट्रिक है जी। एक सर वो कार उसकी क्या, वो कार हमारी हाइब्रिड कार है। जब ये हाइब्रिड कार अब तो इंडिया में आने लगी, वो इम्पोर्ट करी हुई गाड़ी है, वो हाइब्रिड कार है 2009 मॉडल, हाइब्रिड में है। उस टाइम मतलब हाइब्रिड आती नहीं थी, ये जापानी टेक्नोलॉजी। चलिए वो बाद में हम डिटेल में बात करेंगे जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा भी कार्स अपने पास है स्टॉक में, अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है? कार अपने पास बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में अपने पास। ये समझो 30,000 किलोमीटर से लेके 50,000 किलोमीटर तक की डिफरेंट डिफरेंट रेंज की अलग अलग गाड़ियां हैं। मॉडल की बात करें तो मॉडल कौन सा मॉडल इसका? महिंद्रा का वेरिटो D2 है। सारे मॉडल सेम या अलग अलग मॉडल के भी आपके पास? लगभग सेम है, सेम मॉडल ही है। हाँ, लगभग सेम है। तो चलिए फिर सर पहले एक कार से स्टार्ट करते हैं। अगर मॉडल सेम है तो सर एक का हम फीचर्स बता देंगे, अंदर से इंटीरियर्स बता देंगे, बाकी की डिटेलिंग एक बार ओवरऑल ले लेंगे ऊपर से। तो नवीन जी बात करें इसके फीचर्स की, वैसे तो ये सारे सेम मॉडल ही है। हाँ, ये सेम मॉडल है, सारे D2 मॉडल है ये वरीटो के, तो फीचर सब में सेम ही होंगे? ऑलमोस्ट सेम है, सब में सारे सेम ही है। क्या डिटेल है एक बार? सर ये 2018 मॉडल है, महिंद्रा की वरीटो D2 मॉडल है, फुली लोडेड गाड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, आप देख सकते हो। ऑनर सीरीज की, और ऑनर सीरीज फर्स्ट है इसकी। अच्छा, फर्स्ट ऑनर सीरीज में आपको इलेक्ट्रिक में इतना अच्छा ऑप्शन शायद ही कहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, जानते ही हो आप, लिथियम आयन बैटरी यूज की, लिथियम आयन बैटरी। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो सर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है और स्क्रैचलेस गाड़ी है, बिल्कुल आप देख सकते हो अंदर कंडीशन, जहां तक मैं देख रहा हूं वैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, मैं पास से भी दिखा दूंगा, स्क्रैच नहीं मिलेगा कोई गाड़ी पे। अच्छा, ओरिजिनल पेंट है गाड़ी, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है। अच्छा, इसमें कोई अभी, अगर फीचर्स की बात करें अंदर से फीचर आपको लगभग सारे फीचर मिल जाते हैं, पुश बटन ऑटोमेटिक है ही। अच्छा, और सारे फीचर है, ऑलमोस्ट सारे फीचर है, फुल कंडीशन देख रहा हूँ सर मैं, जैसे की लग्जरी सेडान आपको एक समझो कि इलेक्ट्रिक में आपको लग्जरी सेडान मिल जाएगी, वो भी इलेक्ट्रिक साथ में ऑटोमेटिक क्या बात है, सोने पे सुहागा। बाकी बैटरी आपने लिथियम आयन बताई है जी। अच्छा, बैटरी को लेकर कही जाता है इलेक्ट्रिक कार्स, मतलब बैटरी, या इलेक्ट्रिक कार इज इक्वल टू बैटरी लिथियम आयन है। क्या इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, लाइफ साइकिल की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो आप ऑलमोस्ट ये समझ सकते हैं, अगर 100 किलोमीटर की अगर आपकी रनिंग है तो 8 से 10 साल आपकी बैटरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। 8 से 10 साल का लाइफ साइकिल आराम से है बैटरी का। ये चली हुई गाड़ी है? हाँ, ये गाड़ी चली हुई है, 52,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी गाड़ियाँ हैं वो सारी 35 से 50 के बीच में आपको मिलेंगी, 55-50 के आसपास। ये 52,000 चली हुई है, ये 52,000 चली हुई है ये वाली गाड़ी। तो नवीन जी अगर किसी को गाड़ी पसंद आती है, हमारे व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर जो भी है जी लेके जाते हैं जी, यूज कार्स है, तो उसके बाद उनके लिए क्या
फैसिलिटी या सर्विस या कुछ है? सर अभी आपको हम इसकी जो मेजर सर्विस है वो करा के देंगे। अच्छा, और उसके बाद आपको 30,000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस होती है, और सर्विसिंग में भी कोई ज़्यादा नहीं है, ब्रेक ऑयल वगैरह के चेंज करा के आपको 2,500 रुपये का मात्र खर्चा आता है। 2,500 से 3,000 मान लूंगा। वैसे तो बैटरी है इसमें, तो सिर्फ ब्रेक ऑयल का और कुछ? हाँ, और तो इसमें कुछ होना नहीं, कुछ खास होना नहीं। एक बाइक से भी कम खर्चे में आपको सर्विस मिल जाएगी। ओके, और अभी आपको मेजर सर्विस हम करा के देंगे। अच्छा, जो भी ले करता है कोई सी भी गाड़ी हो? हाँ, कोई सी भी गाड़ी हो हमारी, मेजर सर्विस आप करवा के देंगे। मेजर सर्विस में करा के दूंगा। तो आपने मॉडल बताया, बाकी फीचर्स बताए जी। अगर बात करें इसकी स्पीड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बैटरी स्पीड रेंज सर इन्हीं को लेकर है। मैं आपको बता दूं, इसमें लोग कुछ थोड़ा सा रहता है, भ्रांतियाँ हैं। इसमें क्या है, ये 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे जाती है, और रेंज की अगर बात करें तो एक बार फुल्ली चार्ज करने के बाद ये 140 किलोमीटर तक चल जाती है। और अगर आप बात करें कि परफॉर्मेंस की, इसकी स्पीड की, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ऐसी कोई लोगों को ये बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया है कि ये इलेक्ट्रिक कार जो है उतना स्पीड नहीं पकड़ती या एकदम से नहीं, बहुत अच्छी स्पीड से चलती है और अच्छा परफॉर्मेंस आपको देंगी, आप जब चलाओगे आपको पता चलेगा। वैसे भी सर नवीन जी, दिल्ली में तो स्पेशली 60 से ऊपर वैसे भी अलाउड नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली आप वैसे ही चलान कट जाना है, वैसे ही चलान कट जाना है। एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से देखो तो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा। बात करें अगर चार्जिंग टाइम की, क्या क्या फैसिलिटी है और चार्जिंग टाइम कितना लगता है? सर चार्जिंग टाइम अगर आप रात को 11 बजे लगाते हो तो सुबह आपको फुल्ली चार्ज मिलेगी, मतलब वही 7-8 घंटे का चार्जिंग टाइम आपका इसमें आपको लगाना पड़ेगा, फुल्ली चार्ज हो जाती है। रात में लगाओ, सुबह आप चार्जिंग के लिए ऑप्शन की बात करें इसमें। चार्जिंग में इसमें दो ऑप्शन है, अगर आपका आपको फास्ट चार्ज करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, इसमें आपकी सिर्फ 80 मिनट में आप फुल चार्ज कर सकते हो फास्ट चार्जिंग से, 80 मिनट में। और रेगुलर चार्जिंग आपकी पीछे है, पीछे की साइड जी, जैसे आप पेट्रोल डालते हो वहीं इजीली कर सकते हैं चार्ज। घर पे जो आप चार्ज करोगे, जो कि 6-7 घंटे 8 घंटे जिसमें आपके लग जाएंगे, वैसे आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हो 80 मिनट में। बाकी टायर की कंडीशन सर, अगर सर इसके टायर की जरूरत है? नहीं नहीं, अभी आपको बिल्कुल चेंज कराने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी, वो आप देख सकते हो सारा गाड़ी में। अभी आपको कोई काम खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिलहाल। अगर कोई लेता भी तो वो करवा के देंगे आप? बिल्कुल, अभी जो आपको जो टिप टॉप करा के देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, गाड़ी आपको बिल्कुल ओके मिलेगी, और आगे 2-3 साल तक भी अगर आप सही से चलाते हैं तो कोई खर्चा गाड़ी नहीं मांग रही, कोई खर्चा नहीं मांग रही। तो ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली, फीचर्स की, मॉडल्स, डिटेल्स सारी बताई नवीन जी आपने जी। तो इसका प्राइस क्या है, या इन सबका सेम प्राइस है या डिफरेंट? हाँ, आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, 5 से 5.5 लाख के बीच में आपको गाड़ी सारी मिल जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा 5.5 का डिफरेंस क्यों है सर? ये सर वो थोड़ा सा ड्रिवन पे है, कुछ गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली हुई है, कुछ 50,000 चली हुई है, कुछ 52-53-55,000 तक चली हुई है, तो थोड़ा सा वेरिएशन उसकी वजह से। 5 से 5.5 लाख में जो कि आजकल नई गाड़ी पड़ी जाती है 13 लाख 14 लाख, बिल्कुल सर। और वो भी आपको इलेक्ट्रिक कार, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक कार, और ये समझो आप आज के जमाने पेट्रोल के प्राइस जहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस पे कोई खर्चा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं है आपकी पर किलोमीटर कॉस्टिंग में, ख्याल बहुत लो पड़ेगी आपको। तो अगर बात करें पेमेंट मोड, जो कि पेमेंट मोड आप के व्यूवर्स किसी पेमेंट से कर सकते हैं, कैश, गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांसफर, आजकल सारे मोड एक्सेप्टेड है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट मोड की, कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस मैं जो दे सकता हूँ अभी, फाइनेंस दिल्ली NCR में अवेलेबल है, कोरोना के बाद से हम सिर्फ अभी दिल्ली NCR का फाइनेंस फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और डिलीवरी अगर बात करूँ तो मैं पैन इंडिया डिलीवरी दे रहा हूँ। अच्छा, पैन इंडिया होम डिलीवरी? बिल्कुल होम डिलीवरी है, जो चार्जेस होंगे वो आपके कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे, कस्टमर को पे करना पड़ेगा जी, क्योंकि पैन इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि बैटरी जो रनिंग है इसकी वो तो 140 है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएगी, और ट्रांसपोर्ट में पैन इंडिया आपको घर गाड़ी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चार्जेस कस्टमर को पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कोई ज्यादा चार्जेस भी नहीं होते। चलिए, ये तो डिस्कस हो बताया नवीन जी ने, D2 मॉडल है, 52,000 चली हुई है, ये 52,000 चली हुई है, क्या डिफरेंस है नवीन जी? ये वाली जो है सेम मॉडल है, सेम गाड़ी है, बस ये ड्रीवन है जो ये 50 के आसपास है, 50,000 के आसपास। हाँ, 50,000 के आसपास है। ओके, बाकी सारे फीचर्स फुल्ली लोडेड गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है इनकी, बाकी जो बैठेंगे ऑन द टेबल जो होगा, बाकी ये वाली 45 के आसपास चली हुई है, 45,000 चली हुई है, या 45 के आसपास ये चली हुई है। तो इसके अलावा जो आपके पास है वो 30,000-35,000 भी चली हुई है? हाँ, 30-35 भी आपको चली हुई गाड़ी मिल जाएगी। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आपके व्यूवर्स को कि क्योंकि स्टॉक मेरा आता है जाता है, बहुत कम टाइम के लिए रुक पाता है। अच्छा, तो आपको आती है या गाड़ियाँ आती है, तो
आपको बुकिंग आपको इसकी करानी पड़ेगी, तभी आपके लिए गाड़ी हम होल्ड करके रख सकते हैं। कितना मिनिमम अगर मिनिमम आप 15,000 रुपये मान लो, 10,000-15,000 रुपये आप बुकिंग अमाउंट डाल दीजिए, आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी। आप जब भी लेना चाहो गाड़ी आपके लिए बुक हो जाएगी। ओके नवीन जी, नेक्स्ट कार हमारे सामने यहाँ पे लास्ट कार, जो कि आपने इसकी खासियत बताई थी कि हाइब्रिड में है जी, क्या दिल्ली रजिस्ट्रेशन में? दिल्ली रजिस्ट्रेशन में है ये आपकी होंडा सिविक। होंडा सिविक क्या डिटेल है इसकी? ये सबसे बड़ा हॉट प्रोडक्ट है हमारा। अच्छा, और इसकी खास बात यही है कि सबसे बड़ी खास बात तो इसकी ये 100 कारें इंडिया में आई थी। ओके, ये जापान से इम्पोर्टेड गाड़ी है, 2009 मॉडल है सिविक। हाइब्रिड में 2009 में आपको सिविक कोई नहीं मिलेगी। हाँ, उस टाइम हाइब्रिड में नहीं, हाइब्रिड में आती ही नहीं थी। और इसकी सबसे जो खास बात है इसका ये है कि आपको सिविक का जो भी गाड़ी आपको पेट्रोल में आप देखते हो उसकी एवरेज आपको सिटी में 8 के आसपास मिलती है, और हाईवे पे 10-11 के आसपास मिल जाती है। ये आपको मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ, ये आपको 20 से कम एवरेज नहीं देगी भाई। होंडा सिविक, होंडा सिविक लग्जरी सेडान आपको हाइब्रिड में और 20 की एवरेज, कम से कम 20 की एवरेज देगी आपको, देगी। मिनिमम ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसका भी। बाकी फीचर्स तो इसमें सारे होंगे, फीचर्स बाकी सारे ही हैं जो आपको एक सेडान में मिलते हैं। ओरिजिनल गाड़ी है, कोई पेंटेड गाड़ी नहीं है ये। तो चली कितनी हुई है ये चली है 35,000 किलोमीटर सिर्फ, 35,000 चली हुई है, 5,000 ओनली ये ड्रिवन है। ओनर सीरीज की फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है। तो लास्ट में इसका जो प्राइस है, प्राइस भी इसका हॉट है, मात्र 3.5 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, 3.5 लाख में, 3.5 लाख में जी। ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस जब ये गाड़ी आई थी 25 लाख रुपए था। अच्छा, 2009 में 25 लाख रुपए इसका प्राइस था, जो आज आपको 3.5 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है। 25 लाख की हाइब्रिड गाड़ी आपको 3 लाख में मिल रही है, इम्पोर्टेड, वो भी इम्पोर्टेड, जापान से इम्पोर्टेड है पूरी। बाकी अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आता है तो कुछ मान सम्मान इन गाड़ियों, एग्जैक्टली वो कोई बात नहीं है, जब बैठेंगे टेबल कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। वैसे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो, सर मैं एक बार बीच में और टोकना चाहूंगा। अच्छा, आप एक बार चेक करिए गाड़ी, ये आपको क्या लग रहा है, ऑन है ऑफ है? ये तो सर ऑफ ही है। नहीं सर। अच्छा, ये इतनी साइलेंट गाड़ियां हैं, ये गाड़ी अभी ऑन है, आप चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। आप अच्छा, ऑन अभी ये गाड़ी ऑन है अभी, आप चेक करिए एक बार, चेक करके देखते हैं कि बिल्कुल देखिए, आप चेक करिए ये। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये ऑन है और साउंड बिल्कुल भी नहीं है इसमें, साउंडलेस बिल्कुल, साइलेंट गाड़ी है, साउंड तो वैसे भी नहीं आना इसमें, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नवीन जी ने जैसे कि बताया अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप बुकिंग अमाउंट डाल सकते हैं। सर कितना? 15-20 हज़ार रुपए आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बुकिंग कर सकते हैं गाड़ियों की। और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर भी दे दिया नवीन जी का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।